बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है, दी हब पावर कंपनी लिमिटेड। दो के ये एक पावर कंपनी है, पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, आईपीपी में इसका नाम आता है। और जिस तरह कि आपको पता है कि आजकल आईपीपी बड़ा लाइमलाइट में है, कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से उसमें काफ़ी जो है प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है कि भाई ये कैपेसिटी चार्जेस के जो एग्रीमेंट किए हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो इसकी वजह से हम पूरे पावर सेक्टर में, स्पेशली एचयूपीसी में भी हम जो है इसी का इम्पैक्ट देख रहे हैं। अच्छा, आज ही मैंने जो है इसका फंडामेंटल भी शेयर किया है, इसकी जो फेयर वैल्यू थी वो तकरीबन 168 रुपये बनती है। तो वो अपनी फेयर वैल्यू जो है वो उसको रिटेस्ट कर चुका है ऑन 24th ऑफ जून। अच्छा, ये 24th ऑफ जून को जो एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, कहा था कि भाई ये हब पावर इज एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप विद बीवाईडी ऑटोमोबाइल। बीवाईडी ऑटोमोबाइल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक चाइनीज फर्म है और अच्छी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। अपने जो है वो प्लांट पूरी दुनिया में वो है इनॉग्रेट कर रही है और ऑपरेशनल भी हो रहे हैं इनके यूके में, स्पेशली यूएसए में भी है। और अभी रिसेंटली जो है आई थिंक 14 या 4 जुलाई को ताइवान सॉरी थाईलैंड में भी जो है इन्होंने अपना प्लांट की इनॉग्रेशन की है। तो इसको अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो है हब पावर का जो मैंने अभी फंडामेंटल शेयर किया उसमें बीवाईडी का अभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ अनाउंस किया है इनकी जो सब्सिडियरी है मेगा मोटर, उसके हवाले से प्राइवेट कंपनी है मेगा मोटर्स, तो उसी के थ्रू ऑब्वियसली हो, क्योंकि हब पावर तो एक पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो उसी के थ्रू जो है जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे उसी के हवाले से होंगे, उसी के थ्रू होंगे मेगा मोटर्स के थ्रू। तो अभी मेगा मोटर्स का जो अभी कुछ खास अभी इतना वर्किंग कैपिटल अभी है नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है आगे जाके ये हब पावर इसमें इन्वेस्टमेंट करे जब भी हब पावर ने इंटरेस्ट शो किया इसमें। तो इनके अच्छी है एसयूवी वगैरह भी है। आजकल आपको पता है एसयूवी के बड़ा ट्रेंड है, तो स्पेशली पाकिस्तान में आप देखें पहले तो फिर हैवेल जो है उसकी हाइब्रिड आई, उसकी डिमांड भी उसकी साजगार में अपने अच्छा बूम देखा। इसके बाद इस गेल गंदारा ऑटोमोबाइल, उसमें भी जो है वीडो भी चेरी टीगो 8 जो है उसके बाद उसने मार्केट अपने आपको मार्केटिंग मजबूत हुई उसकी, तो फिर उसने आपको अपने आपको मार्केट किया और उसकी भी सेल में हमने इजाफा देखा, यहाँ तक के वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, हो गई है चैरिटी को जो है। तो अब इसमें भी एक यांग वेंग है बीवाईडी की एसयूवी जो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, थाईलैंड में भी इसको शुरू हो गया है, यूके में भी इसकी डिमांड है। तो ईवी व्हीकल एक्चुअली है, तो अगर हो सकता है कि यहाँ पे आगे इन नियर फ्यूचर कोई ऐसा होता है एसयूवी प्रोड्यूस करती है बीवाईडी, यहाँ पे कोई प्लांट यहाँ पे मेगा मोटर्स के इश्तराक से अगर कोई लगता है तो इसमें फिर हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ अभी इससे हटके हम हब पावर को देखेंगे, तो हब पावर की अपनी फेयर वैल्यू है उसको वो रिटेस्ट कर चुका है 168 की जो फेयर वैल्यू थी। और इस वक्त अभी जैसा मैंने आपको बोला आईपीपी के हवाले से जो खबरें हैं कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से, उसकी वजह से ये लाइन लाइट में है पूरा पावर सेक्टर, तो इसमें इसका हम नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो आइए चलो उसको हम थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली यहीं से ही देखें, यहाँ न्यूज आई थी, यहाँ पे यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई और जो है गैप के साथ ओपनिंग हुई, लेकिन यहाँ पे हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी। अब सेलिंग हम देखें कितनी देखें, हम यहाँ पे देखें स्प्रेड ज्यादा था लेकिन वॉल्यूम कम थे, तकरीबन 22 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। मैं ये वीक सबसे पहले आपको बता दूं, ये वीकली चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये गैप ओपनिंग हुई। अच्छा, यहाँ पे देखिए 44 मिलियन का, यहाँ पे न्यूज आने के बाद फिर यहाँ पे 44 मिलियन का हमने वॉल्यूम देखा है, अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ से जो है थोड़ी सी हमने बाइंग देखी 21 मिलियन की, फिर यहाँ से हमने 38 मिलियन, फिर 36 मिलियन, फिर 23 मिलियन। अब ये जो ये फॉलोइंग अभी जो वीक चल रहा है करंट वीक, उसमें भी जो वॉल्यूम अभी तक जो हुआ है, क्योंकि अभी वीक स्टार्ट है अब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक वीक क्लोज नहीं होता। तो अभी इस वक्त टेक्निकली जो है जो सीपीआर लेवल है उसके उसका जो मिडिल बैंड है 150 रुपये 35 पैसे के अराउंड, यहाँ पे ये यहाँ पे इसके ऊपर भी जाता है
ठीक है, 151 रुपए 17 पैसे का भी हाइक किया है इसने, लेकिन यहाँ सेलिंग विटनेस कर रहे हैं हम इसको जो लेंगे यहाँ बॉडी, क्योंकि यहाँ विक बन रही है, यहाँ जब तक बॉडी नहीं बनती इसके ऊपर अच्छी कोई बुलिश, तो मजीद अपसाइड अभी इसका जाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और डाउन साइड पे ये जो एरिया है लोअर बैंड का सीपीआर का 145.63, ठीक है, ये एक तरह से मैं आपको इसकी सिंक्रोनाइजेशन भी बता दूं, यहाँ पे बन रही है इसकी ये जो इसकी नेक लाइन सपोर्ट है इस कैंडल की 145.46 के अराउंड, तो ये देखें ये सिंक्रोनाइजेशन बन रही, तो फिर हम स्वीपीआर का लेवल ही लेंगे। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये इस वक्त समझे इसको ऑनर कर रहा है इस सपोर्ट को वीक ऑन वीक बेसिस पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाए तो देखें यहां से इसने अच्छी सपोर्ट बनाई थी ये वाले एरिया से, यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूं, हम ये एरिया ले लें, दो तीन कैंडल मिला लेते हैं। ठीक है, ये तकरीबन था 135 रुपए 37 पैसे, 135 रुपए 40 पैसे के अराउंड ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो इसकी नेक लाइन सपोर्ट है ये भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे है। इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, इसी कैंडल की नेक लाइन सपोर्ट और नीचे जो विक बनी थी, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे ये। ₹140 से लेके ₹135.40 ये एक अच्छा एरिया ऑफ वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा हम ऊपर ले लें इसको, ये वाला इसकी हम नेकलाइन सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी हम ये विक ले लेते हैं, 140 रुपए 90 पैसे से लेके ₹135.40 तक, ये एक अच्छा एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली पे, एरिया ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये मैं इसको एरिया ऑफ वैल्यू दे देता हूँ। अच्छा, अपसाइड पे देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखा हमने 164 पे, फिर इसके बाद जो है 162 पे। ठीक है, तो हम अपसाइड पे जो है इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ, तो हम इसको ले लेंगे अपसाइड पे जो है ये रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है ना, ये इसकी जो ओपनिंग थी और ये इसकी ये ओपनिंग थी, इसकी ओपनिंग डोजी की, ठीक है, और ये वाली बेरिश कैंडल की ओपनिंग इस तकरीबन सेम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेलिंग आई थी, ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई, बेरिश कैंडल बनी इस वीक में, नेक्स्ट वीक में भी यही हुआ, एक डोजी फॉर्म। अब डोजी के बाद क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए थी फॉर फर्दर अपसाइड, लेकिन क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल बनी और इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ कैंडल जो ना 168.68, फिर इसने अगेन इसी जो इसकी क्लोजिंग थी वो इसी की ओपनिंग थी, और उसके बाद ये कैंडल फिर बाद में यहाँ पे इसने ये क्लोज किया 155.45 पे। तो यहाँ पर भी मैं जैसे कहता हूँ ना, जैसे नीचे की तरफ विक बनती है, तो यहाँ पे भी ये अपसाइड पे विक बन सकती है ये वाला एरिया, ये मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ ये वाला एरिया। ठीक है, इसकी मैंने ये क्लोजिंग ले ली है 155.55 या 155.50, तो ये एक अभी इस वक्त रेजिस्टेंस एरियाज हैं दोनों ये। ठीक है, और एक ही हम ले लेंगे साथ में, इसको मैं यहाँ कर लूँ, ये आ रहा एरिया जहाँ गैप होता, क्योंकि ये गैप फिल होने के बाद ऊपर नहीं गया स्टॉक, बल्कि नीचे आ गया। तो अभी फिलहाल हम देखें इस वक्त वीकली पे जो है एरिया ऑफ वैल्यू तो आपके सामने आ गया, थोड़ी इसको मैं एरिया ऑफ वैल्यू जो आ गया आपको मैंने आपको बता दिया 141 से लेके 135 तक, मैं ग्राउंड फिगर में बता रहा हूँ, वैसे आप ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है सबसे पहले तो वीक ऑन वीक सीपीआर का ही लेवल लेंगे, इसके ऊपर या इसके नीचे जाता है स्टॉक तो फिर हम एरिया ऑफ वैल्यू या ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हम इसको लेंगे। ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ की है वीक की रेजिस्टेंस एरिया सारे क्रॉस करने के बाद, फिर ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, फिर मैं अगेन आपको बता दूं ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो अगेन उसमें वो सेलिंग होती है, उसका ब्रेक होने के बाद जो है फिर आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि ये एरिया जो वैसे भी इसकी फेयर वैल्यू के हिसाब फेयर वैल्यू के पास ही है जो उसकी फेयर वैल्यू बनती है। ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ गई, इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बीटी। ठीक है, तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली कैंडल हो सकता है यहाँ पे टच करके वापस आए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक ये भी समझे फर्स्ट ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, इसमें यहाँ पे सेलिंग आ सकती है,
ठीक है, ये वाला एरिया जो है बी टी यहां लिख दिया मैंने, ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री फर्स्ट और सेकंड ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री ये है। मैं आपको उसके लेवल बता दूं, और 150 पहली जो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है 155-55 से लेके 158-30, और सेकंड जो है 164-60 से लेके 167-40। अब आप आ जाते हैं डेली की तरफ। अच्छा, डेली में भी देखें, अब यहाँ पे अगेन ये बड़ा से ये डिसाइसिव है तो इनडिसाइसिव, लेकिन अगली कैंडल इसको डिसाइड करेगी कि ये ट्यूजर बॉटम है ट्यूजर टॉप है। देखिए नीचे भी यहाँ विक बनी है और यहाँ पे बनी है, तो ये दो डोजी अगर इस तरह के बन जाए तो फिर अगली कैंडल इसको जो है वो कंफर्म करती है कि ये ट्यूजर टॉप है या ट्यूजर बॉटम है। मैं आपको बता दूं क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होती है, कम से कम भी 151 जो इसका एरिया है, बल्कि ये ले लें 152 के ऊपर क्लोज होती है अच्छी बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। और अगर कोई बेरिश कैंडल इसके नीचे फॉर्म होती है और यहाँ पर आ जाती है 141 के अराउंड या 140 के अराउंड, तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि फिर ये ट्यूजर टॉप कहलाएगा और फिर ये हो सकता है आगे जाके फिर 135 एरिया वैली उसको भी रिटेस्ट करे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें भी आ जाते हैं आवली चार्ट के हिसाब से, इसको मैं थोड़ा ये जूम आउट कर दूं। अच्छा, यहाँ पे भी हम थोड़ा, क्योंकि अब हमको यहाँ पे फ्लक्चुएशन आवली चार्ट पे बड़ी मिल रही है, तो अब ये देखें मैं ये एक चीज आपको ये बताऊं, देखें ये बड़ी विक के साथ जो है यहाँ पे एक हैमर डोजी बना था, ठीक है, ये एक, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था 148-18, ठीक है, इसके बाद जो है मार्केट ये सॉरी स्टॉक ने जो अपसाइड परफॉर्मेंस दिखाई और इसको ब्रेक किया ये इसने 25 जुलाई को इनका ट्रेडिंग आवर, ठीक है, फिर इसके बाद ये इसने अपसाइड, फिर ये 26 जुलाई को फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई, लेकिन इसके नीचे फिर ये दोबारा अब इसने एक बड़ी कैंडल के साथ इसको भेज किया, फिर यहाँ फिर अगेन एक डोजी जो आवली चार्ट पे डोजी बनाए, लेकिन अब इस वक्त जो एरिया जिस मैंने बताया ना 145-63 इसको अच्छा ऑनर कर रहा है ये वाले, ये तो ये अच्छा सपोर्ट एरिया ऑनर करता हुआ नजर आ रहा है। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि कोई बुलिश कैंडल सॉरी बेरिश कैंडल इसको ब्रीच करती है और फिर कंफर्मेशन भी मिलनी चाहिए उसकी निगेशन गोइंग नाउ बुलिश कैंडल के साथ, तो फिर ये नीचे स्टॉक और मजीद आ सकता है। अच्छा, कितना आ सकता है ये भी हम इसमें थोड़ा लाइन इसमें बनाएंगे, लाइन चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये हमने लाइन चार्ट ले लिया, ठीक है, ये हम इसका अपर साइड लेंगे 154 के अराउंड जो ये आवली, और डबल टॉप भी लगा था तकरीबन, और डबल टॉप के बाद ये नीचे आ गया, ये यहां से लेके हम इसको लेंगे ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास और इसके हम सपोर्ट लेंगे नीचे ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमारे पास आ गई तकरीबन, ये वाला एरिया जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब हम कैंडल की साफ मदद से देखें, देखें ये अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरफ आ रहा है, एक तो सीपीआर की तरफ आ रहा है और नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे ये कहाँ पे बनती हुई नजर है, यहाँ हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बनती हुई नजर आ रही है 143-38 के अराउंड या 143 राउंड फिगर में ले लें, तो ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, एक ये बाइंग एरिया है, ठीक है, इन बिटवीन 145-63 to 142-38, ठीक है, मैं अगर आपको राउंड फिगर में बता दूं 145.60 रुपए से लेके 143.40 पैसे, ठीक है, मैं इसलिए 143 लोग 145 ही समझेंगे, 143 143 है 145-60 to 143-40, यहाँ पे आप वैसी बातें पहले भी देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिए, तो यहाँ पे आप विद स्टॉप लॉस बाय कर सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड, उम्मीद है कि यहाँ पे ये अपना फर्दर अपसाइड मूवमेंट दिखाए, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है MACD पे भी, और जो MACD की जो लाइन है उसको भी जो है क्रॉस कर रहा है लाइन सिग्नल को भी, तो इसमें अभी थोड़ा सा मोहताज रहे, हो सकता है अगर इसको क्रॉस करता है, क्योंकि लास्ट टाइम पहले भी इसने क्रॉस किया था इसको, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आया, फिर अपसाइड फिर उसने मूवमेंट दिखाई, लेकिन अभी देखें तो ये एक तरह से ये इसी समझे 145 to 151 ये साइडवेज ही है,
क्रॉसओवर हो रहा है, फिर अप साइड पे भी डाउन साइड पे भी। अब हम थोड़ा सा इसमें 15 मिनट के चार्ट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ ये क्रॉसओवर हो चुका है और 32 पे इसका RSI आ गया। अगेन ये थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। और आज के दिन देखें, ये देखें, ये आपको कैंडल बताएगी 719 मिलियन का। ये इसी देखें यहाँ पे भी 15 मिनट चार्ट में भी डोजी फॉर्म हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम, तकरीबन ये बराबरी वॉल्यूम हुआ है। अगर जितना मतलब एक बेरिश कैंडल में वॉल्यूम बना था तकरीबन 841 का, उससे ज्यादा वॉल्यूम एक डोजी में बना है। तो यहाँ से उम्मीद है कि ये हो सकता है नीचे यहाँ पे दोबारा भी दिखाए 145-60 के अराउंड। फिर यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे कोई अगर डोजी फॉर्म होता है, कोई बुलिश कैंडल बनती, तो फिर यह मजीद अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 149-60 के अराउंड होगा, 149-60 to 151, ठीक है। यहाँ मैं आपको फिर ये बना देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे काफी रेजिस्ट कर रहा है ये एरिया पे, इस एरिया पे। तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस एरिया है 148 से लेके 151 तक। तो यहाँ पे फिर आपने जाहिर सी बात है कोई नीचे बाइंग करनी है तो फिर अपने टारगेट इसी हिसाब से सेट करने हैं। अगर इसका फिर ये अगेन मैं सर बता रहा हूँ 151 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आप बाई की तरफ आ जाएंगे। और ये जो CPR का लोअर लेवल मिडिल लेवल है 150-35, या बल्कि आप ये ले लें 149-65, इसका फिर ये आप स्टॉप लॉस देके आप ट्रेडिंग कर सकते हो अब फॉर फर्दर अपसाइड ये वाला एरिया, ठीक है। 149.75 है यहाँ पे, आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। वैसे इसको देखा जाए तो ये इस वक्त इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नजर आ रही है, तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। ये तो मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ वो ट्रेडिंग के वाले से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जाहिर सी बात है इनका कोलैबोरेशन होगा BYD के साथ, अगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई और सेल अच्छी हुई तो ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है। अच्छा, उसको हम इसकी मदद से भी देख सकते हैं। यहाँ मैं इसको मैं जरा रिमूव कर दूं चीजों को, तो मैं आपको जरा समझा दूं थोड़ा सा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नहीं अच्छा है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी समझ में भी आ जाएगी अच्छी तरह से, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर कर लें, हम इसके हिसाब से लेंगे फिबोनाची, हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है ये। और अभी तक इसने जो लो किया यही वाला एरिया जो है मैंने आपको जैसे बताया 145-60, हम इसी को ले लेंगे, ठीक है ये वाला एरिया, ठीक है। और अपसाइड वाला 169.83। तो अभी तो फिलहाल तो ये नीचे की तरफ ही लग रहा है, लेकिन फॉर सपोज एटलीस्ट 157 ये दिखा देता है इसका जो 0.5 वाला है, तो सूनर और लेटर 160 भी दिखा देगा, और 160 के बाद जो है फिर ये अपसाइड मूवमेंट दिखाता रहेगा। लेकिन 170 को क्रॉस करेगा तो ये इसके बाद जो है ये वाला टारगेट जो एक्सपोज हो जाएगा आपका 184 के अराउंड समझ लें, फिर ये एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर इसके लिए आप जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते हुए इसको बाय कर सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड, ठीक है ना। अभी जो फिलहाल जो है ये वाला एरिया जो है 170 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और इसको ब्रेक करते ही 184 जो है 75 ये जो लिखा हुआ है 185 समझ लें 184, फिर इसके बाद अगला टारगेट जो है वो 208 रुपये भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर यहाँ से काफी वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो और अच्छा, जिस तरह मैंने कहा लॉन्ग टर्म बड़ा अच्छा है, तो हम इसको मार्क जो है इसको लोड करके हम देख भी सकते हैं इसका डिविडेंड जो है। अभी इसने ये डिविडेंड दिया था 6 मई को, वो भी हम देख लेते हैं कितना दिया था, रिमूव कर दूं मैं थोड़ा सा। परसेंट डिविडेंड दिया था उसने 19 फेब को, फिर 25% डिविडेंड दिया इसने, इससे पहले जो है इसने 50% डिविडेंड दिया, 60%, मतलब अच्छा जितना अच्छा डिविडेंड ग्रोथ होती रही डिविडेंड देता गया तो अपसाइड मूवमेंट दिखाई। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कम, 40% भी सही है, यहाँ पे थोड़ा कम डिविडेंड, लेकिन अभी फिर इसका जो है जून एंड है तो फाइनल आने वाला है, तो हो सकता है अच्छे डिविडेंड की इससे उम्मीद है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा है,
लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि आप रैशनली हर सब थोड़ा थोड़ा हर सपोर्ट लेवल पे आप बाय करते रहे और इसको एक्यूमुलेट करते रहे और अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह अगर आप बिल्डअप कर रहे हैं अभी से शुरू कर दिया है तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, और हर सपोर्ट लेवल पे, ये नहीं कि हर 2 रुपए 3 रुपए नीचे बाय करें, देखते जाएं। अगर सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है तो फिर थोड़ा रुक जाएं, फिर थोड़ा और, जैसे फॉर सपोज अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट लेवल ये आ रहा एरिया है 122, ये वाला एरिया है 128, तो फिर आप यहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा बाय करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।